गाइस, आज हमारा यहाँ पे डे थ्री है, तीसरा दिन है। आज हम सरायकोटी माता के टेंपल जाने वाले हैं, पर सुबह से बहुत बारिश हो रही है। देखते हैं बारिश कब तक बंद होती है, इतना बारिश का मज़ा लेते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अभी मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है बालकनी में बैठ के, यही कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं और आपको दिखाते हैं। आई थिंक बादल हट रहे हैं, अब बारिश तेज़ हो गई है और बादल हट रहे हैं। देखिए, आपको इस तरफ क्लियर दिखाई देगा, एक्चुअली ये मेरे बहुत क्लोज है। नीचे नीचे से बादल हट रहा है, लेकिन ऊपर तो जो माउंटेन्स है वो तो पूरे ढके हुए हैं। आई थिंक फिर से बादल आ गए। सुबह से बारिश हो रही थी, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3:30 हो चुके हैं। अब हमने फैसला किया है कि हम सरायकोटी माता के टेंपल जा रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं। काफ़ी लेट हो गए मंदिर जाने के लिए, पर सुबह हम जा रहे हैं। रास्ते में हम आपको वहाँ के व्यू दिखाएंगे। देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, चारों तरफ से पहाड़ है, बादल छाए हुए हैं। जहाँ पे बादल सामने छाए हुए हैं उस तरफ ऊपर पहाड़ी की तरफ हमारा होटल है, वहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। Oh,
सीनरी है। अब अपने होटल से 4-5 किलोमीटर दूरी पे आ गए हैं, होटल से नीचे घूमने के लिए। यहाँ आके बहुत बढ़िया लग रहा है, बारिश होने के बाद देख रहे हैं। बारिश होने के बाद बर्फ़ पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी, और बादल नीचे आ चुके हैं। बारिश होने के बाद ये घाटी बहुत सुंदर लग रही है, उस तरफ बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है। हेलो सनवी। हेलो, घूम क्या कर रही हो? मज़ा आ रहा है। वो देखो झरने ऊपर से आ रहा है। शानी शानी पीछे पीछे, और डॉग है। कैमरा जूम करके दिखाते हैं। मैं तो पत्ते खाऊंगी। सनवी आगे नीचे कोई लोग होंगे। पानी की आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही है ना। कहाँ है पानी? वो पतली सी धारा आ रही है पानी की। शानी बैक हो जाओ। वो देखो बादल नीचे आए हुए हैं। मैंने जूम कर दिया, ऊपर देख रहे हो बर्फ पड़ी हुई है। मम्मी आप इधर हो जाओ यार। हम रास्ते में रुकते हुए, रास्ते में मज़े करते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू है इस जगह की, इसलिए हम रुकते रुकते जा रहे हैं। सानवी आपको कैसे लग रहा है बेटा यहाँ आके? मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है ना? बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि बच्चों को क्लोज टू नेचर, नेचर के पास आके अच्छा लगेगा, लेकिन बच्चे बहुत मज़ा कर रहे हैं। मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पहाड़ है, वहाँ बर्फ़ है, और बर्फ़ में खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है। देखो कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं, घाटी है, ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, और सिर्फ ऊपर की तरफ इस तरफ बादल नीचे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाय गाइस, देख सकते हो हम कोरोना काल में आए हुए हैं, तभी इसने देखिए मास्क पहना हुआ। देखिए देखिए देखिए, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे रूल फॉलो कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अब बिना किसी डर के कुछ भी खा सकते हैं यहाँ पे। Oh,
was mine, nothing to deny. Who's that other guy? Are you wasting my time? All these crazy fears that ends with bloody tears. Oh baby, we keep. पहाड़ देखिए, ये पत्थर के सेट, बादल नीचे आ गए, पीछे बर्फ पड़ी हुई है और ये नीचे खाई है और इस तरफ घर है, पापल के ट्री है, ये देखिए। ये देखिए पहाड़। हाय आरुषि, हेलो, इस तरफ देखते हैं, इस तरफ देखिए। मैं तो जा रहा हूं, हम तो यही छोड़, बादल आ रहे हैं, तो घूम ले इधर को। इतने बड़ गाड़ी आ रही है, ये पहाड़ पत्थर से बने हैं, ब्यूटीफुल। सारे पहाड़ ना पत्थर से ही बनते हैं, तुझे क्या लगा? बादल नीचे आ रहे हैं, नीचे बर्फ पड़ी हुई है। इस साइड में आपको दिखाती हूँ घाटी। चलो चलो, यहाँ पे खाई रास्ता देखो, सामने से भी जीप आ रही है, कैसे क्रॉस करते हैं। रास्ता काफी छोटा है, हमने क्रॉस कर लिया। हाँ, आगे दूर तक नजर नहीं आ रहा, कहीं से टर्न करने के लिए। कल्पा जाते हुए भी आई थिंक ऐसे ही रास्ते में पहाड़ थे ना पत्थर के। ऐसे कर सकते हैं हम, पापा गाड़ी ऐसे क्रॉस करके। पेड़ ऑन जरूरी क्यों है? यहाँ से भी कर सकते हैं, पेड़ पत्थरों को बांध के रखते हैं, मतलब जकड़ के रखते हैं, गिरने नहीं देते। यहाँ भी तो पेड़ है, जिनके रूट्स होते हैं ना मिट्टी को अच्छी तरह पकड़, स्ट्रांग होती है ना, बाइंड कर रहते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। फाइनली हम सरायकोटी टेम्पल पहुंच चुके हैं और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
क्राइस्ट हम मंदिर तो पहुंच गए हैं, बट मंदिर इस टाइम बंद है। हम यहाँ के लोकल लोगों से बात किए तो उन्होंने इस मंदिर के बारे में बताया। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक साथ पूजा करने अंदर नहीं जा सकते हैं, टर्न वाइज अलग अलग पूजा करके आ सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये, और यहाँ पे सनसेट जल्दी हो जाता है। और हमारा होटल दूर है इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा अपने होटल के लिए। अब हम अपने होटल के लिए वापस निकल पड़े हैं। हमें होटल टाइम पे पहुंचना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में पत्थर के पहाड़ है तो स्लाइड होने का डर है, इसी वजह से हम निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सनसेट जल्दी हो जाता है 6:30। सुबह से बारिश हो रही थी इसी वजह से हम मंदिर के लिए टाइम पे नहीं निकल पाए थे, हम 3:30 निकले थे। और जब हम मंदिर पहुँचे तो मंदिर बंद था तो हम दर्शन नहीं कर पाए, पर वहाँ से जो लोकल लोग थे हमने उनसे बात की है। आप देख सकते हैं लेकिन रास्ते के व्यूज़ इतने खूबसूरत है, इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज है। बादल इतने नीचे आ चुके हैं, आसमान इतना साफ है, इतनी ग्रीनरी है, और डर भी लग रहा था, थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आ रहा था। एक तरफ पत्थर के पहाड़ है और दूसरी तरफ खाई है गहरी। आप देख सकते हैं हम कितनी हाइट पर हैं इस वक्त, एक अलग ही मज़ा है इस जगह का। ये सीनरीज देख के, इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज देख के आपको लगेगा बस यही 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 वो जगह है जहाँ मुझे रहना चाहिए। बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है, सबसे अलग, बहुत ही प्यारी जगह है ये, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बच्चों आपको कितना मज़ा आ रहा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। यही रह जाए, यही एक घर ले लेते हैं। हम अपने होटल वापस आ चुके हैं गाइस।
देखिए होटल का व्यू कितना सुंदर लग रहा है रात में। अब तो गाइस बहुत ज़्यादा भूख लगी है, थक भी चुके हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अंदर जाके जल्दी से कुछ ऑर्डर किया जाए अच्छा सा। रास्ते का व्यू बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा हमें, ये हमें यादगार रहेगा। आप लोग ज़रूर आएँ तो सरायकोटी माता के टेम्पल ज़रूर जाएँ, रास्ते के व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। गाइस मैं होटल के अंदर जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मैं बता दूं आपको, कल मैं आपको व्यू पॉइंट लेके जाएंगे, होटल से पास ही है व्यू पॉइंट की। मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है कि बहुत ठंडी जगह है, देखते हैं कल जाके कैसा है। तो कल मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।